त्रिवेणी जी नहाए जा रहे हैं हम लोग, शुभम भैया थे ससुराल। हम लोग इस समय त्रिवेणी जी जा रहे हैं, बाहर का तापमान 7 डिग्री है और कोहरा जो है वो आप देख सकते हैं कितना भयंकर पड़ रहा है। संगम जी जो है कुछ कहना चाहते हैं, बताइए संगम जी। त्रिवेणी जी जा रहे हैं हम लोग नहाने, संगम जी को नहवाने, पूरा टोली जा रहा है नहाने और साथ ही साथ एक माना जाता है कि शुभ होता है त्रिवेणी जी नहाना, इस भीषण ठंड में नदी में नहाना है, जिसमें संगम जी पूरी तैयारी से जा रहे हैं और हम लोग भी जा रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ठूठी में आ गए हैं इस समय, ठूठी वाली बॉर्डर पर हम लोग अभी चेकिंग चल रहा है, संगम भाई की चेकिंग चल रही है। अब यहाँ से गाड़ी ये आगे हम लोग जहाँ पे हैं, ये सामने आप देखिए कि ये है ठूठीबारी के बॉर्डर, इसके आगे आपको नेपाल मिलेगा, गणेशपुर या महेशपुर है ये, और महेशपुर से आगे जाएंगे तो नेपाल में आप प्रवेश करेंगे। और बस हम लोग अब नेपाल में एंट्री करने वाले हैं, अंदर की स्थिति आपको बताते हैं। बलवंत अभी का फोन करो, सॉरी नानी। चाय बनाओ अपन बढ़िया। संजीव भाई कुछ कहेंगे आप इस मामले में? हम लोग कहाँ पहुँचे अभी बताइए आप? महेशपुर भंसार पे हम लोग, तो त्रिवेणी यात्रा पे हैं और अभी झुलनीपुर से गाड़ी हम लोगों की घुमा दी गई है तो महेशपुर भंसार कार्यालय पे पहुँचे हैं और यहाँ पहुँचते पहुँचते सारे लोगों की भक्ति और शक्ति जवाब दे गई है और सब लोगों ने यही निर्णय लिया कि अब कुछ चना और चाय ले लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो हम लोग वही चना और चाय ले रहे हैं, फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ठंड बहुत चल रही है। सुबह भैया ससुराल में आगमन तो कैसा लग रहा है? हम लोग इस समय आ गए हैं सूरजपुरा में। सूरजपुरा ये नेपाल का वो पॉइंट है जहाँ पे बिजली पैदा होती है और यहाँ देखिए मार्केट, बढ़िया मार्केट है, चौराहा एक है। अब यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दाई भाई और पीछे हमारे जो दो दाई बैठे हैं वो लोग बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। एक सस्तो राम रोचा यहाँ चाय पकौड़े, चाय पकौड़े की कुछ और। ये तो अभी जो है ये टीम हम लोगों की जा रही है और पानी शुभम बोल रहे हैं दिखाने के लिए, लेकिन पानी कोशिश करेंगे, लेकिन कोहरा इतना अधिक है कि पानी या उसको नजर नहीं आ रहा है।
कहाँ पहुँचे भाई हम लोग बताइए? त्रिवेणी जी हम लोग पहुँच चुके हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ की बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़ी बड़ी तालाब के बीच में काफ़ी ठंड का माहौल है। अभी से सूख चुका आ रहे हैं हम लोग। हम लोग अब पहुंच गए हैं त्रिवेणी जी। कैसा आनंद आ रहा है आपको यहाँ पहुंचने? बहुत अच्छा, त्रिवेणी धाम, पवित्र धाम पहुंच करके बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है। और अब हम लोग काफ़ी यात्रा करने के बाद पहुंचे हैं, अब नारायणी नदी के घाट पर पहुंच रहे हैं स्नान करने। वहाँ से फिर वाल्मीकि आश्रम की तरफ हम लोग जाएंगे। बहुत ही आनंद आ रहा है। हम तो शैम्पू वैम्पू लेके आए थे बाल धो के, लेकिन यहाँ देख के लग नहीं रहा कि पैरवा भी भीग गया। सबसे पहले जल अरे 5-7 मिनट की प्रक्रिया होती है पानी में खड़ा होके। कैसा लग रहा मामा आपको? अरे ठीक है, अभी देखा हम कैसे ना हाथ पौर लेंगे। अरे अब पानी कितना ठंडा है बताइए? गरम है। गरम है। कैसा आनंद आ रहा भाई? अरे बहुत ठंडा है। अरे काफी ठंडा है, बहुत ठंडा। क्या मामा कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। जी में स्नान करने के बाद से बहुत मेरा तौलिया लेके कोई भाग गया है। ये मामा आप कांप का है रहा इतना? आप तो कहते हैं एकदम गर्म पानी है। नहाने पर डुबकिया लगाइए तब ना। तो हम लोग त्रिवेणी जी में स्नान कर चुके हैं और यहाँ पे देखिए बेहतरीन टाइप की फीलिंग आ रही है। अब गरम गरम कुछ चाहिए इसके बाद फिर। अरे भाई मामा तौलिया कहाँ गया? वैसे अब गर्मी आ गया है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, शरीर में गर्मी आ गई है। मन कर रहा है एक बार और कूद आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल मामा, कूदा दीजिए एक बार और। मामा बहुत करीब थे नानी के। देखिए हम लोग तो नहा लिए हैं और अब हम लोगों के साथ के एक बहुत बड़े तपस्वी आदमी स्नान करने की तैयारी में है। कुछ देर पहले तुम स्नान वाला मंत्र पढ़ रहे थे। हवा कैसी चल रही है? मत कहो, हवा का हाल मत कहो। बोल नहीं पा रहे हैं, कड़कड़ाहट इतनी अधिक है। और देखिए बड़े मौसमी स्नान कर चुके हैं। स्नान के बाद एक अलग फीलिंग आ रही है गर्म गर्म। जय गंगे मैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय 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 जय।
गर्मी में आनंद आता होगा। स्नान के बाद हम लोग पूजा भी कर चुके हैं। संगम भाई का कैसा रहा रिस्पांस? बहुत बढ़िया पानी था, बहुत शानदार पानी, नहाने बाद बहुत मजा आया। प्रसाद जय हो त्रिवेणी माई। कल्पना तूने कल रिलेशन मिली भाई ना दे वापस। हेलो ऋषा ये बताइए तो क्यों डन की साइट पे डेटाबेस एरर आ रहा है। हेलो दो भी मिनट बैंक कहाँ ले कर रख दो।
हम लोग वहाँ हरिद्वार गए थे, वहाँ ऋषिकेश गए थे, वहाँ भी यही था। बोले तो कुछ पूछना ही नहीं है। ये 4x4 है। 4x4 वही है, लेकिन तभी टायर और बड़ा होता है। इस समय हम लोग वाल्मीकि नगर जंगल में हैं, और जहाँ पे हम इसमें मौजूद हैं एक SSB का चेक पोस्ट है, और यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। अब आपको पैदल 300 मीटर आगे जाना पड़ेगा। जंगल के बीच का रास्ता है, और यहाँ से 2-व्हीलर 4-व्हीलर कुछ भी अलाउ नहीं है। आपको अपने पैरों का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो देखिए, जो हमारी पूरी टीम है वो यहाँ पे अब वाल्मीकि नगर जंगल के अंदर प्रवेश कर रही है। ठंड बहुत अधिक है, रास्ता भी आपने अभी देखा कि कितना एडवेंचरस है रास्ते को। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के जो अभयारण्य होते हैं उसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होती है। ये वन विभाग का कानून है कि इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर रास्ते पे आपके कोई लकड़ी गिर गई है तो लकड़ी हटाई नहीं जाएगी, किसी तरह का कोई सड़क नहीं बनाया जाएगा। और ख़ास तौर पे वाल्मीकि नगर जो ये जंगल क्षेत्र है, ये बेहद समृद्ध है। जो पशु हैं उनसे, जो प्राकृतिक आप यहाँ पे धरोहर देख रहे हैं उनसे। हमारे साथ यहाँ पे बेचू मामा हैं, जो इस इलाके के पूर्व परिचित हैं, और यहाँ पे अक्सर आया करते थे बचपन में, जो अक्सर खेलने आते थे। हाँ, पुराने सीता जी का असली वनवास यहीं हुआ था। रामचंद्र जी जो छोड़े थे यहाँ पर, यहीं वाल्मीकि नगर है, बिहार पश्चिमी चंपारण पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, लेकिन वहाँ जहाँ हम जहाँ जा रहे हैं वो नेपाल के बॉर्डर पर जाता है। अच्छा, ये बताइए मामा, जब आप जंगल पार्टी में काम करते थे तो जंगल में यही सब एरिया था जहाँ पे डकैत आते थे? हाँ, यही सब एरिया। अभी यहाँ पर बाघ भी हैं, डकैत तो खत्म हो गए लोग, बाघ हैं अभी यहाँ। तो हम लोग जहाँ पे पैदल चल रहे हैं तो ये मतलब डर की नहीं संभावना है। जैसे आपने तो कोल्ड ड्रिंक ले लिया है। यहाँ जो है हालत काफी खराब है। तस्वीर आपको दिखाएं, ये देखिए, ये पूरा नदी है। कहाँ मिल गया हमको? त्रिवेणी जी में जो 5.5 मिनट के लिए गायब हुए थे, यही झील करते हैं वो भद्र नहीं है। हाँ, मैं बताते हैं, ये झील है। कौन सा झील है? सोम या भद्र झील है। अच्छा, है कि सोन है? सोम है, भद्र हम लोग अभी गाड़ी रोक के आए हैं पोस्ट से। ये पूरा भारत का जिला, अरे स्टेट बिहार। फिर से हम नेपाल में एंट्री करने जा रहे हैं। ये नेपाल का फिर से ये बॉर्डर देख सकते हैं आप। यहाँ पे पूरी झील बह रही है पानी। इस पानी के अंदर से है ना नेपाल के अंदर।
उधर से दलदल है पापा उधर से। अच्छा हमको लगा दलदल, अच्छा मैंने लगा दलदल। इस ठंडे पानी में कैसा आनंद आ रहा है शुभम जी। ये देखिए कुछ लोग वहां दौड़ रहे हैं, वो नदी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो ये लोग वापस जो है पेड़ के रास्ते जा रहे हैं। और अब हम लोग फिर नेपाल में आ गए हैं। बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पानी में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम आप लोग आए हैं तो कम से कम पत्थर जो है इकट्ठा कर लीजिए। यहाँ का जो है करना पड़ता है सभी लोग अमृत कुमार। ये भी सिलवट्टा ही है क्या? यहाँ पर पत्थर को जितना ऊंचा आप बना दीजिए जीवन में आप उतनी ही ऊंची तरक्की करते हैं, ऐसी मान्यता है। दूसरे का भी उतार के उतारना नहीं है, लेकिन अगर गिर गया हो तो आप उसको गिरा तो है क्या गिरा है? जीवन काम तो जोर बहुत इम्पोर्टेंट है। हम तो पांच खोखा थे। प्याज खाँदैन नि? नै हामी खान्छौँ।
व्रत बसे को मान्छी वाई वाई पनि खान्छ वाई वाई व्रत बसे को त ले बाहिर खानै हुन्न यो वाई वाई केले बनाउँछ मैदाको चाउ मैदाको मैदाको यो त देश विदेशमा कम्पोज हुने चीज हो मम्मी अझ एउटा तपाईँ भेट्नु होइन भाइ पाँच रुपियाँ पाँच नहीं जीजा का एक टूर पक्का हो गया अभी हम जो है शाम के वक्त जो है अरे सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकला जाए और ऐसे नहीं मौसम ये वाला ना रहे फरवरी बाद इसी वाले मौसम में जा तो आ रहा टलने के बाद जो है पिकनिक पॉइंट पे बने चिकन घर से लिट्टी विट्टी बना लिया है लिट्टी खाई है और से जान बटे बनाए ना कोई बनाए रोज गिना रहता है उसे नहीं बस कहीं एक टू काट लिए दो टू काटने से पूछ लो भैया पूरा घर की बाग हो गया उसका घर बेटे बाबू क्या पूरी घर की बाग हो ना हम इसमें फिर नेपाल के वाल्मीकि आश्रम में पहुंच गए हैं। ये आश्रम बेहद जंगल के बीच में है और ये यहाँ के जो प्रहरी हैं नेपाल की पुलिस के उन लोगों का कार्यालय है। सामने की तस्वीर आपको दिखाएं तो ये वो जगह है जो सीता जी का मंदिर है। यहाँ पे लिखा हुआ सीता पाताल प्रवेश स्थल और इसके बगल में आपको वाल्मीकि जी का जो आश्रम है वो नज़र आएगा। कहा जाता है कि जब सीता जी को श्री राम ने वनवास भेजा था तो इसी जगह पर आकर के वो वाल्मीकि जी के आश्रम में रहा करती थी और लवकुश ने यहीं पर जो श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा था उसको पकड़ा था। ये जो प्रकृति के बीच का आप मंदिर देख रहे हैं इसमें पिछले कई दशकों से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है क्योंकि जंगल के बीच में है सेंचुरी के बीच में है इसलिए आज भी है उसी तरह से है। और ये सीता जी का मंदिर है ये पूरा जो एरिया है ये काफ़ी रोमांचक है। नेपाल का ये जो ज़िला है चितवन उसके अंतर्गत आता है। इसमें ये भी दिखाए भैया और नेपाल की डिजाइनिंग होती है। हाँ मंदिरों की थोड़ा सा शुभम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो हम भारत के मंदिर देखते हैं आप नेपाल के मंदिरों का डिजाइनिंग देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं आप ये इस तरह सिंह के उठा हुआ है जो अपने यहाँ गुम्बद के शेप में होता है। आप यहाँ देख सकते हैं नेपाल के कल्चर में ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को इस तरह बनाया गया है। इधर भी देख सकते हैं उधर भी देख सकते हैं उस तरफ भी यही है। आपने अधिकतर देखा होगा जो भारत के मंदिर होते हैं उनके ऊपर का जो शीर्ष होता है जो गुम्बद होता है वो गोल होता है लेकिन नेपाल के जो अधिकतर मंदिर हैं उनके मंदिरों का जो शीर्ष होता है वो कुछ इस शेप में आपको नज़र आएगा। यही शेप आपको अगर आप कभी पशुपतिनाथ बाबा के दर्शन करने जाएं तो वहाँ पर भी जो मुख्य मंदिर का गुम्बद है आपको इसी तरह से नज़र आएगा। और प्रदीप मौसा हमारे साथ हैं जो कई मंदिरों का दर्शन कर चुके हैं। आप कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में यहाँ के चीज़ों को जो आपने देखा है कैसा लगा आपको यहाँ आने के बाद पहली बार आप आए? हाँ पहली बार बहुत ही बेहतरीन काल्पनिक। राम जी के बारे में सीता जी के बारे में तो बहुत पढ़ा है लेकिन सीता जी रहती कहाँ थी वनवास में आपने पहली बार देखा? ये सीता जी यहीं पर रहती थी ऐसा बताया जाता है और सीता जी का ये स्थान जो है इसमें पहली बार देखा गया वाल्मीकि नगर नेपाल में। सर क्या कहेंगे आप यहाँ की जो स्थिति है यहाँ के जो मंदिर हैं उसको देखते हुए? यहाँ वाल्मीकि आश्रम में आकर के आज इतने वर्षों के बाद भी जब वाल्मीकि जी का समय था तब से लेकर के आज इतने वर्षों के बाद भी
जैसे लग रहा है कि हम लोग बहुत ही बिहन जंगल में हैं, और ऐसा लगता है कि आज स्थिति ऐसी है तो उस समय स्थिति क्या रही होगी और कितनी तपश्चर्या के साथ वाल्मीकि जी यहाँ रहते रहे होंगे। और माता सीता के वनवास के बाद जो है, जब उन्हें जंगल में छोड़ा गया, तो यही वो स्थान है जहाँ पर माता सीता से वाल्मीकि जी की मुलाकात हुई और वाल्मीकि जी अपने आश्रम में लेकर के आए माता सीता को, और यहीं पर माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पवित्र है, नारायणी नदी के तट पर है। हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ आने का, इस धरती को, इस मिट्टी को हम लोग नमन करते हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम।